ऐसा है कि पहले जब रेलवेज कोई भी विषय पे काम करता था तो उसमें राजनीतिकरण बहुत ज्यादा थी और हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट होता था। कोई विषय राजनीतिक कारणों के लिए, कोई लाइन एक्सेप्ट हो रही है, कोई नई ट्रेन चल रही है, और आस्ते आस्ते रेलवे की व्यवस्थाएं कमजोर होती गई। अब एक बहुत प्लान तरीके से नेशनल रेल प्लान बहुत गहराई से रेलवे के हर कामकाज के अंदर, हर रिक्वायरमेंट और देश की आवश्यकताओं को असेस करके नेशनल रेल प्लान बनाया गया। उस नेशनल रेल प्लान में सिस्टमैटिकली असेस किया गया कहाँ से फ्रेट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से पैसेंजर्स की ज्यादा डिमांड है, किन सुविधाओं के लिए पैसेंजर्स ज्यादा परेशान है या जिसपे हमें फोकस करना चाहिए, फ्रेट की क्या क्या सुधार की आवश्यकता है जिससे और लोग आकर्षित हो रेलवे इस्तेमाल करने के लिए, कैसे आगे चल के डिमांड को हम पूरी तरीके से भर पाए और साथ ही साथ देश की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। इसलिए आज से ही हम भविष्य के डिमांड को भी असेस करें और भविष्य के लिए तैयारी आज से शुरू करें कि 2050 में हमारा क्या अनुमान है पैसेंजर ट्रैफिक का, क्या अनुमान है फ्रेट ट्रैफिक का, वो 2050 तक का जो अनुमान बना है उस सब को तैयार करें हम 2030 तक। उस दिशा में भारतीय रेल ने अपने आप को काम करना शुरू किया है और इसीलिए हम इसको भारतीय रेल को फ्यूचर रेडी कहने की बात करते हैं। ये पैसेंजर डिमांड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो, सेफ्टी हो, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हो, जो भी देश की आवश्यकताएं हैं और जो देश की अपेक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, इन दोनों को पूरा करने का काम समय के पहले करें और अपने आप को तैयार रखते हुए भारतीय रेल डिमांड के पीछे रहने के बदले डिमांड के पहले वो चीजें सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें, इसको फ्यूचर रेडी कहते हैं।